हेलो गाइस, कैसे हो? मैं चुका हूं वीडियो लेके। तो गाइस आज मैं जा रहा हूं मिलिट्री बेस में, और गाइस इधर आने वाले काफी सारे बंदे, और भाई मिलिट्री बेस में जो तबाही मचाने वाले हूं ना मैं आज, मतलब मजा आ जाएगा तुम्हें देख के। और ये वाला गेम आधे से ज्यादा मिलिट्री बेस के अंदर ही है, तो सोच लो भाई कितने बंदे आए होंगे यहाँ पे, कितने क्लचेस होने वाले और कितना मजा आने वाला है। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं लूट करता हूं, और भाई मेरे को उतरते के साथ यहाँ पे मिल जाती है मिनी 14 और M4। मिनी 14 में फेंक दूंगा क्योंकि मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती भाई मिनी 14, तो M4 से काम चलाऊंगा मैं। वैसे मेरे को AKM भी मिल जाती है। फिर नीचे से आते फुटस्टेप्स, ये दिखता है मेरे को बोट, तो इसको लपेटता हूं मैं जल्दी से। और यहां पे आ जाते हैं भाई बंदे, और बहुत सारे हैं, फुल स्क्वाड है। तो यहां तो गाइस मैं फंसता था, इसलिए मैं थोड़ी सी पोजीशन चेंज करता हूं, इस वाले बंदे को निपटाता हूं फटाफट, और इसके टीममेट्स को देखते हैं। लेकिन पीछे आता हूं पहले, क्योंकि वो बंदा मेरे को उधर से निपटाता। अब भैया जी प्री फायर दे रहे थे, तो भाई मैं भी प्री फायर देता हूं पहले, लेकिन अब मैं समझ चुका था यहां कुछ नहीं होने वाला, तो नेड फेंकता हूं मैं। और बंदे इधर से भागता है कि आप बता, मैं दोबारा नेड फेंक दूं, लेकिन भाई उस चीज का मेरे को फायदा मिलता है। मैं इस वाले बंदे को पूरा खत्म कर देता हूं, दोनों कर दूंगा, मतलब वो तो खुद ही हो जाता है बेचारा। और एक गाइस पीछे फायरिंग कर रहा है वेयर हाउस में, तो भाई वहां पे चलते हैं लूट वूट करने के बाद, हीलिंग करने के बाद। और पीछे से फायरिंग की साउंड आ रही सी बिल्डिंग से, वहां पे चलेंगे फिर। तो गाइस इस वीडियो को स्पॉन्सर करा है रश ने, जो कि हाइक की तरफ से है, जिसपे आप ऑनलाइन मनी अर्न कर सकते हो। तो गाइस रश ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे इजिली डाउनलोड कर सकते हो। इसे यूज करना काफी इजी है, ये एक हाइक का प्रोडक्ट है। और हां गाइस इस वाली ऐप में आपको साइन अप करते के साथ ही 60 रुपए मिलते हैं, मतलब 10 रुपए तो आपके साइन अप करते इंस्टेंट आ जाएंगे, और बाकी के पैसे आपको अगले 7 दिन तक जाएंगे। यहाँ पे गाइस आपको बहुत सारे गेम्स मिल जाते हैं खेलने को, जैसे कि लूडो कैरम वगैरह, जिनको खेल के आप इजीली मनी अर्न कर सकते हो। और जो गाइस आप पैसा जीतोगे इसमें गेम्स खेल के, वो आप इजीली अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो, या फिर पेटीएम अकाउंट वगैरह में। तो गाइस रश बाय हाइक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे गाइस मैं जा रहा था वेयर हाउस की तरफ ही, यहाँ से मेरे को फायरिंग की साउंड आई थी, तो मैं जा रहा था कि भाई देखते मतलब फुटस्टेप वगैरह आए। तो अब गाइस मेरे को फुटस्टेप्स आने लगे थे बंदे के, तो मैं पीछे से मतलब रश मारता हूँ, सामने से नहीं जाता क्योंकि बंदे पे एडवांटेज होता, लेकिन बंदे को जहाँ तक भी मेरे फुटस्टेप्स आ ही जाएंगे, और आ भी गए थे। खैर मैं यहाँ पे प्रोनेन शूट करता हूँ, और भाई इसका हेलमेट चाहिए भाई मेरे को, क्योंकि मेरे पास लेवल 1 का ही था, जो कि बहुत बुरा लगता है यार, मतलब। तो इसलिए भाई लेवल 2 का हेलमेट लेता हूँ इस वाले बंदे का मैं, और फिर चलते सी बिल्डिंग की तरफ। तो यहाँ पे गाइस मैं आया था क्योंकि भाई फायरिंग चल रही थी, और इतने में क्या गाइस बच पाऊंगा? फ्री फायर बचाएगी जान, चिंता मत लो। दोनों को लपेट देता हूं मैं, और ये जो इधर बंदा था ना पहले टीपी पे लेट था, लेकिन फिर मेरे को इसे फुटस्टेप्स आते हैं, पीछे की तरफ भाग जाता है। तो यहाँ पे गाइस मेरे को शक होता है हल्का सा कि क्या पता बंदा उधर से मतलब चढ़ के इधर से आकर रश मार दे बिल्डिंग के ऊपर से, तो दिक्कत हो जाएगी है ना। तो यहाँ पे गाइस मैं एक नेड फेंक देता हूं, जिससे कि क्या पता नोक वोक वाले बंदे फिनिश हो जाए। और यहाँ पे फर्स्ट एड मारता हूं फटाफट, और ये कुत्ता मैंने क्यों एक्टिवेट कर लिया भाई, मतलब फायदे से ज्यादा मेरे को लग रहा है नुकसान करवाएगा लोकेशन बता के दूसरों को। तो अब गाइस मैं हीलिंग कर लेता हूँ, फिर गाइस जाता हूँ इस वाली बिल्डिंग में, और इस वाले बंदे को फिनिश करता हूँ। ये नोक पड़ाता है यहाँ पे, और इसके टीममेट्स को मैं यहाँ पे देख रहा था। और इस कुत्ते के एक फायदे हैं कि भाई ये फ्लेयर गन मेडकिट वगैरह पे मार्क लगा देता है, तो ये सही चीज है यार। अब यहाँ पे गाइस मैं बीच वाली बिल्डिंग में रश मार देता हूँ, काफी सारे बंदों के मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ी देर पहले फायरिंग भी चली थी, रिलोड वगैरह की साउंड आ रही है मेरे को M249 की, 3 बंदों के फुटस्टेप्स हैं। यहाँ से तो बिल्कुल नहीं जाने वाला मैं, इसलिए मैं थोड़ा इधर से आने की सोचता हूँ, और देखो अभी इसको लपेटा जाता है। आते हैं वाले भैया जी, इसको भी लपेटा जाता है, M249 गिनते जाना कितनी है। ये वाला बंदा था यहाँ पे, ये भी रश मारेगा मेरे ऊपर। मैं सोचता हूँ हीलिंग मार लूँ, मतलब टाइम लगेगा बंदे को आने में। एक और M249, दो M249 यहीं पे ही है, ये तो बोर्ड था। खैर अब यहाँ पे गाइस 2 M249 तो एक ही स्क्वाड पे थी, और गाइस पीछे से मेरे को फायरिंग की साउंड आने लगी है, वहां पे जाता हूँ रश मारने, फिर लूट वगैरह करके हीलिंग करके। अब एक बंदे का गाइस मेरे को फुटस्टेप्स इधर कहीं से आए थे, ठीक है, तो मैं देख रहा था, मेरे को लगा बाहर कोई टिप्पी भी ले रहा है, लेकिन अच्छा हो भाई इसने मतलब पीछे से धप्पा नहीं कर दिया मेरे को, नहीं तो दिक्कत हो जाती। और इस पे भी M249 थी, 3 बंदों पे M249 एक ही बिल्डिंग के अंदर, क्या हो रहा भाई ये, मतलब M249 लेके घूमेंगे बंदे, भरता बना देंगे। और अगर एक ही स्क्वाड के 3 बंदे हुए फिर तो भाई गए हम। अब यहाँ पे गाइस फायरिंग की साउंड आ रही थी काफी देर से, तो मैं जाता हूँ जंप वगैरह लगा के, और अभी देखो इन बंदों के साथ मेरी काफी खतरनाक फाइट होने वाली है, मतलब लगभग मर ही गया था मैं, देखते जाओ। यहाँ पे गाइस इस वाले बंदे को मैं नोक करता हूँ, अब ये वाला बंदा भी मेरे को काफी डैमेज देता है। मैं सोचता हूँ कि भाई इधर से निपटा दूं बंदे को, लेकिन यार बच जाता है बंदा। यहाँ पे गाइस मैं एक नेट फेंकता हूँ, लेकिन अगेन वो साइड में चला जाएगा, तो नेट का कोई फायदा नहीं है, और मेरे पास मोली वगैरह नहीं थी, नहीं तो मैं यहीं पे खत्म कर देता दोनों को। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं मेड किट मारता हूँ, फिर देखता हूँ इन वाला बंदों को। और उधर से मैं इसलिए इधर आ गया क्योंकि भाई मोली वोली नेट बंदे भी तो फेंक सकते हैं।
पहले मैं सोचता हूँ इधर से जाऊंगा, बंदों को पता नहीं चलेगा, लेकिन भाई एक बंदे को पता चल चुका है मेरी इस हरकत के बारे में। यहाँ से मतलब निपटाने के मूड में हूँ, क्योंकि भाई उसकी खोपड़ी मेरे को दिख रही है, उधर की तरफ ही देख रहा है, और भाई बंदा कुछ फेंकता है। भाई नेड़ ना हूँ, मोली फेंक दी भाई, मेरे को लगा ये मेरे तक आ जाएगी, लेकिन हल्का सा बचता हूँ मैं, मतलब जरा सा बस। गाइस मेरे पास तो फेंकने को कुछ है नहीं, तो यहाँ पे अब मेरा प्लान था कि भाई छत के ऊपर से जाके इन वाले बंदों पे धप्पा कर दूंगा ऊपर से, लेकिन भारी पड़ने वाली ये चीज मेरे को, क्योंकि जब मैं ऊपर से जाता हूँ ना, सामने भैया भी आ चुके थे, मेरी हेल्थ देखो अब वेस्ट भी नहीं है। एक लाइक मार दो गाइस वाले क्लच के लिए, मतलब भाई क्या ही मारा यार, वेस्ट भी नहीं थी, हेल्थ भी नहीं थी। और हाँ गाइस सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, ऐसे क्लच में करता रहता हूँ। और यहाँ पे गाइस जब मैं मारता हूँ फर्स्ट एड, और एक बंदा और नॉक कर रहा था मैंने, जो कि नीचे जा चुका है, और वो अपने टीममेट के पास रिवाइव होने जाएगा, क्योंकि भाई ये वाले बंदे डायरेक्ट नहीं जाते, इसके टीममेट्स होंगे आसपास। तो यहाँ पे मैं हीलिंग करता हूँ पहले, तो मस्त फुल बूस्ट लगा वगा के, और फिर उस वाले बंदे को देखता हूँ जो नॉक था, नीचे गिर गया था, जो कि मेरे को यहाँ पे दिख जाता है, जो कि उधर की तरफ जा रहा है, पेट पे हाथ लगा के, बेचारे के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। और यहाँ पे अभी देखना क्या होने वाला है, मेरे को हल्का शक तो था कि ये उधर की तरफ जा रहा है, तो अपने टीममेट के पास जा रहा हूँ जहां तक मैं रिवाइव होने, नहीं तो और क्यों ही जा रहा है वहां पे, है ना। बच जाता हूँ बस मैं यहाँ पे अगेन दोबारा, पता नहीं प्रोनेन शूट यहाँ पे मेरी जान बचाते हैं भाई, मतलब प्रोनेन शूट ने मेरी इतनी बार जान बचाई इस वाले मैच में, जिसकी कुछ हद नहीं है। अब यहाँ पे गाइस मैं अगेन हीलिंग करता हूँ, और भाई निकल लेते हैं ब्रिज की तरफ, लेकिन उससे पहले आती है आरबी की साउंड। बंदे को मैं हल्का फुल्का डैमेज देता हूँ, गाड़ी उठाता हूँ, और भाई पीछा करते हैं बंदे का। तो यहाँ पे गाइस मैं आता हूँ, मेरे को आरबी तो दिख जाती है उस वाले बंदे की, लेकिन बंदा नहीं दिख रहा था। मैं थोड़ी देर राउंड मारता हूँ यहाँ पे ही, और इतने में आते मेरे को फुटस्टेप्स, बंदा भी दिखता है। और बंदे को मैं खत्म भी कर देता हूँ, लेकिन ये वाला बंदा डायरेक्ट नहीं जाता, तो हो सकता है इसका टीममेट आसपास ही कहीं सांप बन रहा हो। तो यहाँ पे मेरे को काफी डर लग रहा था भाई साइड वाइड से कोई पहाड़ी से ना देख ले, मतलब क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ना बहुत खतरनाक हो जाता है किसी की, तुम्हारी हेल्थ भी कम है, और भाई कोई लपेट दे मतलब एक दो शॉट ही मार के। तो फिर गाइस मैं गाड़ी उठा लेता हूँ और भाई जाता हूँ ब्रिज की तरफ, क्योंकि यहाँ पे फ्लेयर चलाई थी किसी ने, तो मैं आया था चेक करने, और भाई इतने में यहाँ से निकलने में भलाई थी, क्योंकि अगर मैं वहां से नहीं निकलता ना, वो बंदों की क्वांटिटी काफी ज्यादा थी, मेरे को मतलब दिक्कत होती, और शायद से एक से ज्यादा स्क्वाड भी है। यहाँ पे गाइस मैं आता हूँ इधर की तरफ कवर में, हेल्थ करता हूँ, और अब देखते हैं उन वाले बंदों पे एंगल मिलता है तो। और यहाँ पे मेरे को बंदे दिख जाते हैं, ये तो भाई गया बेचारा। यहाँ पे गए इस वाले बंदे को मैं खत्म कर देता हूँ, लेकिन ये किसी से बच के भाग गए थे, तो और भी लोग हैं वहां पे। एक बंदा यहाँ पे दिखता है, इसको पूरा खा जाता हूँ मैं। सामने स्मोक हो रखा था, मेरे को लगा पहले शायद से वहां पे कोई है, लेकिन स्मोक में कोई नहीं था, स्मोक हट जाता, कोई भी नहीं दिखता मेरे को तो। और फिर गाइस एक बंदा मेरे को दिखता है यहां से कूदता हुआ, तो इसको भी लपेटता हूं मैं। अब यहां पे गाइस सब खत्म हो जाते हैं, मेरे को लगा भाई सब खत्म हो गए, पहली स्क्वाड को भी मैंने लास्ट बंदा मार दिया, इस वाली स्क्वाड को भी निपटा दिया, और भाई कितने बंदे होंगे है ना। मैं जाके मतलब सोचता हूँ कि थोड़ी बहुत लूट करते हैं और भाई फिर निकल लेंगे, मतलब दूसरी तरफ जाके ब्रिज कैंप मारूंगा मजे में। लेकिन मतलब मैं यहाँ पे 300-400 गोलियों के साथ खुश नहीं था, मेरे को और चाहिए थी, मिलेगी भाई गोली कुछ ज्यादा ही। तो गाइस आज की वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मार दो, और गाइस सब्सक्राइब कर लो अगर नए इस वाले चैनल पे। और हाँ गाइस रश भाई हाइक को डाउनलोड कर लेना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में।